अयोध्या जनपद के प्रेस क्लब में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ पुष्प अर्पित कर मनाई गई। जिला पंचायत सदस्य बलराम यादव की अध्यक्षता और युवा राष्ट्र लोकदल निवर्तमान जिला अध्यक्ष रामशंकर वर्मा के संचालन में राष्ट्र लोकदल द्वारा आयोजित सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती समारोह के मुख्य अतिथि युवा राष्ट्र लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर सिंह पटेल ने उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल और चौधरी चरण सिंह जैसा नेता आज के दौर में मिलना मुश्किल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की अखंडता के लिए तो चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के उत्थान के लिए काम किया था। दोनों महापुरुष गरीब किसान परिवार में जन्म लिए थे। किसानों की तरक्की के बिना देश का विकास संभव नहीं है। ऐसे महापुरुष की नीतियों को आगे बढ़ाना है तो उनके विचारों को नई पीढ़ी को अवगत कराना होगा। राष्ट्र लोकदल अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल ने कहा कि लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो आज देश की दशा कुछ अलग होती। वे महात्मा गांधी की इच्छा का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद से पीछे हट गए थे और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने तो वे सरदार पटेल उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, भारत के प्रथम सूचना मंत्री तथा रियासत विभाग में मंत्री भी थे। स्वतंत्रता मिलने के बाद देशी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनके द्वारा किए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं मिर्जापुर जिले के सिद्धपीठ से चलकर के आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर आया हूं। इसके लिए मैं अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल जी और कार्यक्रम के संयोजक रामशंकर वर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं। आज करोड़ों चाहने वालों के नेता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 147वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और मैं समझता हूँ कि यह कार्यक्रम प्रत्येक जनपदों में राष्ट्रीय लोकदल मना रहा है। आज मैं इस कड़ी में यहाँ जनपद अयोध्या में आया हुआ हूँ। शेष यहाँ के लोगों से वार्ता करके फिर आगे की रूपरेखा बनेगी। 10 बजे और मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते आज 1:30-2 बज गए। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई अयोध्या को बहुत मीडिया में प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि अयोध्या का विकास हो रहा है, अयोध्या में इतने दीप जलें। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से मेरी बात भी जाए, ये दीप नागरिकों के दिल में जले। जो गड्ढा मुक्त सरकार वचन देती है मैं देख के आया और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी यहाँ स्थानीय प्रशासन आपके माध्यम से हमसे समझ ले कि गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त सड़कें हैं और हाईवे का ये हाल है जिसमें लखनऊ से यहाँ आने में 2-2 टोल पड़े हैं और टोल देने के बाद अगर व्यक्ति को गड्ढे से उतरना पड़े जो हमें 1.5 घंटे में सफ़र पूरी कर लेनी चाहिए वो हम 2.5 से 3 घंटे में कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, पार्टी की नाकामियों को जनता के बीच में रखेंगे और राष्ट्रीय लोकदल के जो विचार है, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा है, उनको जनता के बीच में ले जाएंगे। हमारे नेता युवा हैं माननीय जयंत चौधरी जी, उनकी जो सोच है उस सोच को जनता से परिचित करा करके अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल सबके हैं, उनके कृतित्व पे प्रकाश डालने के लिए अगर कोई राजनीतिक पार्टी काम करती है तो उसका स्वागत है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सिर्फ झूठों की पार्टी है। झूठ और फरेब का एक पुलिंदा है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी जब पश्चिम बंगाल गए तो जब वहाँ ब्रिज गिरा तो कहा कि इनकी नीयत पे खोट है और ब्रिज गिरने का ईश्वरीय इशारा है कि यह भ्रष्टाचार में डूबी पश्चिम बंगाल की सरकार है। तो मैं उन्हीं के शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जो कल ब्रिज गिरी है गुजरात में, तो क्या यह गुजरात की सरकार की नाकामियाँ हैं, गुजरात मॉडल की नाकामियाँ हैं? इस पर भी भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता को विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल पूरे ताकत के साथ अपने संगठन को मजबूत कर रहा है, सदस्यता अभियान चल रहा है और हम सब प्रयास कर रहे हैं कि सभी स्तर पे हमारा संगठन मजबूत हो, कार्यकर्ता मजबूत हो। हम संगठन के लोग हैं, हमारा प्रयास है कि संगठन मजबूत होगा और नगर पालिका चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल मजबूती से उतरेगा। अभी तो फिर आचार संहिता लगने दीजिए, अभी तो हम संगठन मजबूत कर रहे हैं। संगठन जहाँ पे हम मजबूत होंगे वहाँ पे हम गठबंधन के साझेदारों से बात करके हम लड़ाई लड़ेंगे। गठबंधन वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के साथ है, पूर्व में भी रहा है और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी रहेगा। का क्या योगदान है भारतीय, अभी प्रीमेच्योर होगा। आज
राष्ट्रीय लोकदल फैजाबाद यूनिट ने भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 147वीं जयंती मनाई है। उसी उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। उस जयंती को एक मूर्त रूप दिया गया है। यहाँ पे जयंती के साथ साथ लोगों ने उनके जीवन के द्वारा सिखाए गए आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस राष्ट्र को जोड़ा, हम समाज को जोड़ने का संकल्प लेके आज यहाँ से निकल रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के सर्वमान्य नेता हैं। सभी जाति सभी धर्म के लोग उन्हें निःसंदेह नेता मानते हैं। उनके जीवन का एक विराट स्वरूप है, उसे हम सब लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और आज चूंकि वर्तमान जब राजनीतिक लोग इकट्ठा होंगे तो राजनीतिक चर्चा होगी, इसमें यह बात भी उठी कि जो वर्तमान समय में किसान नौजवान बेरोजगार हैं, इनके हक और अधिकार की लड़ाई राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा। और राष्ट्रीय लोकदल के नेता युवाओं को किसानों को अपने मन से संगठित करेंगे। हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम सदस्यता अभियान बढ़ाएंगे और आगामी नगर पंचायत चुनाव में हम हिस्सा लेंगे। अभी आपने अपने भाषण के दौरान एक चर्चा की थी कि रावण के बारे में, आपने चर्चा की थी रावण यहाँ किस देश में आया था, क्या था, थोड़ा सा आपके बारे में। नहीं, मैंने कहा कि हमको जागरूक बनना होगा। मैं इस बात को बड़ी ईमानदारी और दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि हमारे आदर्श राजनीतिक पुरुष श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि जागरूक जनशक्ति ही सबल लोकतंत्र का आधार है। और आज मैं जब अपने मंचीय संबोधन में ये बात बोल रहा था तो मैंने कहा कि आज तरह तरह के भेष बदल कर लोग छलने का काम करने आ रहे हैं। मैंने यहाँ बैठे जनता और आम नागरिक से पूछा कि आप बताइए, हम अयोध्या की भूमि में बैठे हैं, अयोध्या में रह करके रामायण की चर्चा ना हो तो ये ठीक बात नहीं है। मैंने अपनी यहाँ उपस्थित मातृत्व शक्ति से पूछा, माताओं बहनों से पूछा मैंने कि रावण किस रूप में आया था सीता मैया को हरने के लिए। वो मुस्कुरा के रह गई। फिर मैंने कहा कि जब माता जानकी शक्ति स्वरूपा थी, सर्वज्ञ थी, और वह रावण के छल को ना पहचान पाई, और रावण भी छलने आया तो भगवा वेश में आया, तो जरूरी नहीं कि भगवा वेश को धारण करने वाला प्रत्येक नागरिक जो है वो संत ही हो। ये हमें समझना होगा और इस पर भी जागरूकता रखनी होगी। प्रेस क्लब में राष्ट्रीय लोकदल द्वारा आयोजित आज यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती समारोह मनाई जा रही है। हमारे पार्टी के युवा के जो अध्यक्ष निवर्तमान हैं रामशंकर वर्मा जी और उनकी टीम ने अथक प्रयास करके ये जयंती कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देने का काम किया है। इसके लिए हम सभी राष्ट्रीय लोकदल के और भाई रामशंकर वर्मा जी को दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग इतना मेहनत करके यहाँ जो है समाज के, कमेरा समाज के सभी साथियों को, किसानों को, दलितों को यहाँ लाने का काम किए और सरदार पटेल जी के जो है विचारों से सुनने का मौका, हम लोगों को जो विचार था उनको सुनने का मौका दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार हमेशा केवल किसानों की बात करती है और काम किसानों के विपरीत करती है। पिछले साल आप देख लीजिए, सितंबर महीने जब चुनाव का समय था तो सितंबर महीने में इस सरकार ने गन्ना मूल घोषित किया था। आवाज़ चीनी मिल पश्चिम में चल चुकी हैं, मसौदा में भी चलने वाली है, नवंबर महीना है, अभी तक सरकार ने गन्ना समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है। किसानों का अभी भी बकाया गन्ना मूल भुगतान पड़ा है। तो इस प्रकार से ये सरकार केवल दिखावा करती है, किसानों के लिए नहीं काम करती है। उनको आज हम इस सरदार वल्लभ भाई पटेल पे कहना चाहूँगा जयंती पर कि अगर वो आज, जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने का काम कर रही है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कार्यों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को सीख लेनी चाहिए कि उनके कथनी और करनी में अंतर नहीं था, इन लोगों के कथनी और करनी में अंतर था।